क्या दोस्तों आप मीट शॉप मटन शॉप का बिज़नेस करना चाहते हो? अगर ये बिज़नेस करना है तो आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है, कितना टाइम लिमिट लगता है, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम रविंद्र नाइक है। गए 20 सालों से मैं बिज़नेस लाइसेंसिंग कंसल्टिंग का काम करता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था चिकन शॉप बिज़नेस के बारे में, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई हमें मीट शॉप मटन शॉप का बिज़नेस करना है तो उसके लाइसेंस के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आपको निकलना है शॉप का एक लाइसेंस, जिसे घुमासा लाइसेंस भी कहते हैं। ये लाइसेंस आप खुद भी ऑनलाइन निकाल सकते हो या कोई भी CAC सेंटर में 200 से 500 रुपये दे के ये निकाल लो। इसके लिए आप ये एक ही दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है, इसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा लाइसेंस आता है MSME, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिशनल आपको आपका बैंक डिटेल देना पड़ता है। ये लाइसेंस की कॉपी आपको एक ही दिन में मिलते हैं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये 8 से 15 दिन के भीतर आपको मिल जाता है। ये भी लाइसेंस 200 से 500 रुपया प्रोफेशनल आदमी लोग लेते हैं आपके लिए। तीसरा लाइसेंस आता है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, ये इसके लिए भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ये भी लाइसेंस आपको 200 से 500 रुपया जे कितने साल के लिए आप निकालते हैं वो हिसाब से आपको इसके ये इसका खर्चा आता है। इसमें भी दो तीन कैटेगरी है। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आता है, अगर आप स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस 2000 है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस 100 रुपया है। ये लाइसेंस आपको 15 से एक महीने तक के अंदर आपको ये लाइसेंस इशू होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। प्रॉपर किसी आप प्रोफेशनल आदमी से करोगे तो आपको ये लाइसेंस जल्दी मिलता है। और चौथा लाइसेंस है जिसे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस रहता है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस आपको आपके जो भी एरिया में आरोग्य अधिकारी रहते हैं, जिसे MOH कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, आरोग्य विभाग से ये लाइसेंस आपको मिलता है। ये लाइसेंस के बारे में मैं आपको इसका फॉर्म किस तरह से भरते हैं, कहाँ से आपके लिए अप्लाई करेंगे, ये सब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये सभी लाइसेंस लेने के बाद में आप अपना जो भी है मटन शॉप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लाके बताता हूँ कि किस प्रकार से आप हेल्थ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पे जो फॉर्म दिख रहा है वो हेल्थ लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर देखो लिखा है नवी मुंबई आरोग्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, ये न्यू मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे आराम से फॉर्म को पढ़ के ये फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरना दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो बेसिक जानकारी है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल, अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर खुद का है तो रेंट रसीद, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ के भर के देने पड़ेंगे। ये लाइसेंस आपको वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, मतलब जिसे MOH कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, आप कोई भी जिले में, स्टेट में या ग्राम पंचायत है वहाँ का आरोग्य अधिकारी आपको ये लाइसेंस इशू करता है। यहाँ के और भी डिफरेंट सब पॉइंट दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है देखो प्रोविजन ऑफ वाटर, मतलब आप पानी का सोर्स क्या है आपके यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोविजन ऑफ सेवरेज, मतलब वो गंदा पानी आप उसके कैसा ये करेंगे वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है, आप अगर आपका कोई भी दुकान है मीट शॉप मटन का जो भी दुकान है, वो प्रार्थना स्थल, मतलब कोई भी मंदिर मस्जिद या फिर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, यहाँ से 50 मीटर्स का डिस्टेंस चाहिए। ये सभी जगह से आपको 50 मीटर्स के दूरी पर आपका दुकान बनाना पड़ेगा। और एक एफिडेविट भी आपको यहाँ पे बना के देना है उनके लिए, इसका फॉर्मेट भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपके स्टेट या ज़िले के हिसाब से थोड़ा बहुत ये इसमें पॉइंट में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये फॉर्म देख कर आपको एक आइडिया तो आ चुकी रहेगी कि भाई हेल्थ लाइसेंस के लिए हम लोग किस प्रकार से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सभी लाइसेंस लेके आप अपना खुद का मीट शॉप या मटन शॉप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और भी कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।